नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो मैंने वहां कुछ अच्छी किताबों के लिंक मैंने दे दिए हैं, अगर आप चाहें तो उसको खरीद सकते हैं। ये दोस्तों काफ़ी अच्छी किताबें हैं, ये आपके जो कंपटीशन दे रहे हैं। भाई वीडियो आप जो देखते हैं मेरा, तो इसका मतलब है आप या तो इतिहास के विद्यार्थी हैं, या तो इतिहास से संबंधित, या तो रुचि है। तो इतिहास के लिए दोस्तों जो है मैंने जो डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो देखोगे तो जो किताबें दी हैं वो काफ़ी अच्छी किताबें मैंने चुन के रख दी है। वहाँ से आप जो है किताबों को लिंक पे जा कर के खरीद सकते हैं वहाँ से। और इससे दोस्तों कुछ मेरा भी फायदा हो जाएगा और आपको भी, भाई आपको तो फायदा होगी होगा ही, क्योंकि अच्छे जो है डिस्काउंट पे जो है अच्छे परसेंटेज पे छूट मिल रही है, तो वहाँ पे आप किताब खरीद सकते हैं। दोस्तों आज से हम लोग जो है जैन धर्म को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। आज का अपना टॉपिक है जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, ठीक है दोस्तों। तो आज जो है हम लोग जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर थे उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने काला बना दिया है, ये आपका तीर्थंकर, और ये उनके जो प्रतीक चिन्ह है वो यहाँ पे लिखा है, और तीर्थकर के नाम यहाँ पे लिखे हैं। उसी तरह ये कालम बना हुआ है, तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। चलिए देखिए, पहला नंबर ऋषभदेव है, इनको जो है आदिनाथ नाम से भी जाना जाता है, और ऋग्वेद एवं गोपद ब्राह्मण में इनका नाम स्वयंभू कश्यप के नाम से भी ये जाने जाते हैं, और ऋग्वेद के केशी सूक्त में इनकी चर्चा है ऋषभदेव की। वायु पुराण तथा भागवत पुराण में इनको जो है विष्णु का अवतार या नारायण का अवतार माना गया है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ऋषभदेव, ये राजपाट जो है अपने पुत्र भरत को दे करके और जो है साधु बन गए, ठीक है। और इनका देखिए प्रतीक चिन्ह क्या है, वृषभ या सांड, जिसे बैल कहते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दूसरे हैं अजीत नाथ, इनका यजुर्वेद में उल्लेख मिलता है, इनका प्रतीक चिन्ह है गज या हाथी। तीसरा नंबर देखिए संभव नाथ, अश्व या घोड़ा। चौथा नंबर देखिए अभिनंदन नाथ, इनका है प्रतीक चिन्ह कपि या बंदर। पांचवा नंबर देखिए सुमति नाथ, इनका हो गया क्रौंच या सारस। अब देखिए छठवा नंबर पदम प्रभु, इनका हो गया पदम या कमल का कमल। सातवां देखिए सुपार्श नाथ, इनका है स्वास्तिक। आठवां चंद्र प्रभु, इनका है चंद्रमा। नौवां सुविधिनाथ, इनका है मगर या मकर। दसवां शीतलनाथ, कल्पवृक्ष। ग्यारहवां देखिए श्रेयांशनाथ, इनका है गैंडा। बारहवां वासुपूज्यनाथ, इनका है महीष या भैंसा, ठीक है। दोस्तों ये आप ध्यान दीजिएगा कि एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है, जैसे कि आपका एक तरफ लिखा रहेगा जैसे नाम दिए हैं, और एक तरफ आपके उनके प्रतीक चिन्ह लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरफ कर दिए, जैसे कि मान लीजिए इसको अदल बदल देंगे, नाम को भी आगे इधर ऊपर नीचे कर देंगे, तो सुमेलित करना होता है। तो जब आप इसको पूरा अच्छे ध्यान से पढ़ लेंगे ना, तो आपको कहीं ये क्वेश्चन आपको आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 13 नंबर जो है बीमलनाथ, 13वें तीर्थंकर बीमलनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है बारह सुवर। अब देखिए 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है सेन, बाज पक्षी होता है। और देखिए 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ, इनका है वज्र। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ, इनका है मृग या हिरण,
कुंथुना इनका है, अज या बकरा, अठारहवां देखिए, अरना इनका है मीन या मछली, उन्नीसवां देखिए मल्लिनाथ का, ये है कलश, इनका प्रतीक चिन्ह, ठीक है। और आगे देखिए बीसवां नंबर मुनि सुब्रत नाथ, ये जो इनका है कुर्म या कछुआ। इक्कीसवें तीर्थकर कौन है, नेमिनाथ, इनका है नीलकमल। बाईसवां नंबर देखिए अरिष्टिनेमी, इनका है शंख। अरिष्टिनेमी की जो चर्चा है ऋग्वेद के केसी सूत्र में मिलती है इनकी चर्चा। अब देखिए तेईसवें पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प या सांप, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, पार्श्वनाथ के बारे में, महावीर से 250 वर्ष पहले ये हुए थे पार्श्वनाथ। इच्छाकु वंश के राजा अश्वसेन तथा कौश स्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री वामा के पुत्र थे ये, इनकी माता का नाम वामा। अब देखिए 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। 3 महीने की घोर जो है मनन चिंतन के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और 100 वर्ष की अवस्था में समेध शिखर पर इनको जो है निर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है। निर्वाण अब देखिए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में दोस्तों आपको बताया है, बौद्ध धर्मी निर्वाण क्या है, वो जिंदा रहते प्राप्ति की जाती है, ठीक है। लेकिन जैन धर्म में क्या है, मरने के बाद ही निर्वाण की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो ये हो गया। और देखिए अब 24वां नंबर महावीर, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह, ठीक है। महावीर जो है ये जैन धर्म को विकसित और संगठित करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका। आगे देखिए निर्वाण स्थल देख लें, इन सभी का जो है निर्वाण स्थल देख लें या कहां उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। चाहे मृत्यु कहिए चाहे निर्वाण स्थल कहिए, एक ही बात है, जैन धर्म है। अब देखिए पहला जो है ऋषभ देव है, इनका जो है कैलाश पर्वत पे निर्वाण हुआ था, ठीक है, मृत्यु हुई थी, निर्वाण हुआ था। अब देखिए बराहवन जो बराहवी तीर्थकर है वासु पूज्यनाथ, उनका जो है चंपापुरी में हुआ था निर्वाण। 22वें देखिए अरिष्टिनेमी जो है उनका गिरनार पर्वत पे हुआ था। आगे देखिए महावीर, इनका जो 24वें तीर्थकर है, इनका जो है पावापुरी में हुआ था। बाकी जितने आपके बच रहे हैं आप समझिए कि एक पहला बारहवां 22 और 24, ठीक है, 1 2 3 4, इन चारों को छोड़ के जितने भी आपके तीर्थकर बचे हुए हैं वो सारे लोगों को जो तीर्थकर थे उनका निर्वाण समेध शिखर पे हुआ था, समेध पर्वत पे हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। तो ये आज आपका टॉपिक था जैन धर्म के 24 तीर्थकर, उसको आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग महावीर के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन महावीर से बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो बस इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।